नमस्कार। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि भारत में कुपोषण और एनीमिया की कमी दूर करने के लिए भारत सरकार मिड डे मील और राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण करेगी। यह योजना 2024 तक चलेगी और इसमें तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इन चावलों से महिलाओं के खून की कमी और बच्चों के कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। अब ये आम चावल और फोर्टिफाइड चावल, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या फोर्टिफाइड चावल भी जमीन में उगते हैं जैसे आम चावल उगते हैं वैसे, या किसी विशेष तरीके से इन्हें बनाया जाता है? ये फोर्टिफाइड चावल क्या होते हैं, आज इनके बारे में अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है पोषण युक्त चावल। अब आप कहोगे सर पोषण युक्त चावल तो एक तो जमीन वाले वो भी तो पोषण युक्त हो सकते हैं, इनको और अलग से पोषण युक्त चावल क्यों कहते हैं? इसका एक रीजन है। देखिए आप, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जब किसी खाने की चीज में अलग से पोषण तत्व शामिल किए जाते हैं तो इन्हें फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। कोई सा भी फूड हो गया, कोई सा भी अनाज हो गया, अगर इसमें अलग से पोषण तत्व तो मिलाए जाएं तो इन्हें फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। ऐसे फूड में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जाती है। जब ये जमीन से उगते हैं जैसे अनाज, गेहूं हो गए, चना हो गए या राइस हो गए कुछ भी, तो ये वहां से तो इनके पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन जब इनमें और अलग से एक्स्ट्रा मात्रा एड की जाए तो इन्हें फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे सर, फोर्टिफाइड राइस में भी यही किया जाता है। जो अभी केंद्र सरकार चावल गरीबों में बांट रही है ना, तो उनको भी फोर्टिफाइड, उन चावलों को फोर्टिफाइड करके बांट रही है ताकि उसमें एक्स्ट्रा पोषक तत्व हो मिलाए जाएं और गरीबों में जो पोषक तत्वों की कमी है, विटामिन B12, विटामिन A की कमी है, उसको दूर किया जाए। अब सवाल यह है कि कैसे तैयार होते हैं ये जो फोर्टिफाइड राइस है, कैसे तैयार होते हैं? दो तरीके से तैयार होते हैं। देखिए आप, फोर्टिफाइड राइस, सबसे पहले चावल पर पोषक तत्वों की परत चढ़ाई जा सकती है। एक तो ये जो चावल है ना, चावल के ऊपर इनको पोषक तत्वों की एक परत चढ़ाई जा सकती है, ठीक है, फर्स्ट तो ये। अब सेकंड देखिए, इनमें सूक्ष्म तत्वों को मिलाया जाता है। एक तो ये कि चावल पर परत चढ़ाई जा सकती है, फिर और दूसरी तरह से कैसे किया जाता है, इनमें सूक्ष्म तत्वों को उसमें मिलाया जाता है, फिर इसे मशीन की मदद से चावल का आकार देकर सुखाया जाता है और इसे तैयार करने के बाद में आम चावलों में मिलाया जाता है। एक तो यह है कि एक तो जो चावल है उन चावलों पर जो पोषण तत्वों की परत चढ़ा दी जाए। सेकंड एक और है, जो भी आपको कोई विटामिन A, विटामिन 12 और पोषक तत्व जिंक है अगर चावलों में मिलाने हैं ना, तो या तो फिर उनको सूक्ष्म तत्वों को मशीन की मदद से बारीक उनको पीसा जाता है, फिर पीसने के बाद में उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उनको आम चावलों में मिलाया जाता है। अब आप कहोगे सर आम चावलों में मिलाया जाता है तो पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं, आम चावल भी और वो पोषक तत्व चावल भी सेम टू सेम दिखते हैं। FSSAI के अनुसार 1 KG चावल में, अब उनको देखो कितना मिलाया जा सकता है चावल में पोषक तत्व, 1 KG चावल में तकरीबन 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाया जा सकता है। यूं नहीं कि यार 1 KG चावल में 1 KG चावल फोर्टिफाइड राइस मिला दिया जाए, या फिर 1 KG चावल में 2 KG फोर्टिफाइड राइस मिला दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो आपके शरीर में विटामिन A ज़्यादा हो जाएगा, विटामिन 12 ज़्यादा हो जाएगा, जिंक ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। नहीं, इनकी एक बराबर एक क्राइटेरिया, एक लिमिट है कि कितने चावल में कितना फोर्टिफाइड राइस ही मिलाया जाएगा। तो ये देखिए, 1 KG चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस मिलाया जाता है। यह दिखने में आम चावल जैसे ही दिखते हैं पर इनमें आयरन, विटामिन B12, विटामिन A और जिंक आदि होते हैं। अब ये फोर्टिफाइड राइस आम चावल में मिलाया जाए ना तो दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन फोर्टिफाइड राइस में आयरन, विटामिन B12, विटामिन A और जिंक की मात्रा अधिक होती है। तो ये आम चावल मिक्स हो जाते हैं और फिर उसी को पता नहीं चलते हैं कि पोषण युक्त चावल कौन से हैं और कौन से पोषण युक्त नहीं है। दोनों मिक्स होके फिर आम पब्लिक को दिए जाते हैं ताकि आम पब्लिक में महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, बच्चों में पोषक तत्वों की कमी आदि को दूर किया जाता है।
इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।